देखिए, महंगाई, मंदी, बेरोजगारी सभी चरम सीमा पे है। महामारी पूरे देश में एक अजीब सी स्थिति पैदा हो गई है और देश मुसीबतों के चक्रव्यूह में फंस गया है। इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए कोई अर्जुन चाहिए, इस देश को तलाश है किसी ऐसे कृष्ण की जो इस मुसीबतों के महाभारत और इन मुसीबतों के चक्रव्यूह से इस देश को मुक्ति दिला सके। देखिए, मध्य प्रदेश भारत का हृदय कहा जाता है और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाएं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, इनमें इतने घोटाले जितने मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं, इस तरह की स्थिति देश के किसी और राज्य में देखने को कम मिलती है। जहाँ तक राजनीतिक परिस्थिति का प्रश्न है तो मध्य प्रदेश की जनता ने 5 वर्ष के लिए कांग्रेस की सरकार को चुना था, लेकिन धन के बल से, षड्यंत्र के बल से, जिस तरह से षड्यंत्र करके पांडवों को जुए में हराया गया था और उनको अज्ञातवास भोगना पड़ा था, उसके पश्चात महाभारत हुआ था, उसी प्रकार मध्य प्रदेश की जो शिवराज जी की सरकार है, ये अधर्म और असत्य के आधार पर बनी है। मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश की जनता का एक सपना था कि शिवराज जी की सरकार से मुक्ति मिले और वो 2018 में पूर्ण हुआ, लेकिन उस सपने को शिवराज जी ने अपने षड्यंत्रों के द्वारा तोड़ दिया है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मध्य प्रदेश की जनता को शिवराज सरकार से जल्दी मुक्ति मिले। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को नई कुर्सी, नया घर मुबारक हो, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में नेता थे और भाजपा में मंत्री बन के रह जाएंगे। देखिए, कमलनाथ जी सबको साथ लेके चलने की उनमें खूबी है और उनका जो अनुभव है वो मध्य प्रदेश की कांग्रेस को ताकत देता है। जहाँ तक है नेतृत्व परिवर्तन का सवाल या नेतृत्व को कंटिन्यू करने का सवाल, इट विल बी डिसाइड बाय कांग्रेस लीडरशिप। कांग्रेस का नेतृत्व ये फैसला करेगा कि मध्य प्रदेश का चुनाव, 23 का चुनाव कमलनाथ जी के नेतृत्व में हो या किसी और नेता के नेतृत्व में हो, लेकिन कमलनाथ जी इस समय सर्वमान्य नेता हैं। देखिए, राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने नैतिक मूल्यों का निर्वहन करते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया था। राहुल गांधी आज भी चाहते हैं कि कांग्रेस का नेतृत्व किसी दूसरे के हाथ में दिया जाए, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता ये चाहते हैं, देश के लाखों कार्यकर्ता चाहते हैं कि अगर राहुल जी कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर दोबारा नहीं आते हैं तो फिर कांग्रेस की कमान प्रियंका गांधी के हाथ में दी जाए। कैलाश जी एक दिन मुख्यमंत्री जरूर बनेंगे।